पठान जवान और अब डंकी। शाहरुख खान एक बार फिर से बड़े पर्दे पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। इसी साल दिसंबर में फिल्म के रिलीज होने की उम्मीद है, हालांकि अभी तक इसका ट्रेलर सामने नहीं आया, पर डंकी तमाम वजहों से चर्चा में आ गई है। फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार हिरानी करने वाले हैं, जिनके एक ट्वीट का सोशल मीडिया पर काफी बज है। इसके बाद ट्रेलर को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। शाहरुख खान अपने फैंस से जुड़ने के लिए आए दिन ट्विटर पर आस्क एसआरके सेशन करते रहते हैं। फैंस भी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं हाल ही में किंग खान ने आस्क एसआरके में फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी आस्क एसआरके सेशन में एंट्री ली। उन्होंने इस दौरान डंकी के ट्रेलर को लेकर हिंट दे डाला। राजकुमार हिरानी ने लिखा, सर जी बाथरूम से बाहर आ जाओ, क्या कर रहे हो, ट्रेलर दिखाना है। इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा, आ रहा हूँ सर, दोस्तों से बात कर रहा था, क्षमा करें बॉयज एंड गर्ल्स, अब जल्दी करनी होगी वरना डंकी से निकाल देंगे। आप सभी का अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे सिनेमा घरों में मुलाकात होगी। आप सबको प्यार, आपसे बात करने के लिए इतना कम समय है। इस ट्वीट के बाद डंकी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। और भाई हो भी क्यों ना, भाई 4 साल बाद शाहरुख ने पठान से वापसी की, जिस पर दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया। और हाल ही में जवान पर भी दर्शकों का प्यार यूं ही बरकरार रहा। तो अब बस फैंस को डंकी का इंतजार है।